हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का पतन किस तरीके से हुआ था उसके ऊपर ये हमारा तीसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम था वो कारण बने थे डिक्लाइन का मुगल एम्पायर का। इस वीडियो में देखेंगे हम राइज ऑफ रीजनल पावर्स, यानी किस तरीके से क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है और वो क्षेत्रीय शक्तियां जब उभर के आई तो वो किस तरीके से कारण बने डिक्लाइन का मुगल एम्पायर का, वो देखने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। सो 1761 आते आते तक मुगल एम्पायर जो है सिर्फ नाम का एक एम्पायर बचता है। उसकी वीकनेस की वजह से जो लोकल पावर्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं आज़ाद कर लिया। एंड बंगाल, अवध और हैदराबाद जो है उनको सक्सेसर स्टेट कहा जाता है मुगल एम्पायर का। तो अब एक प्रश्न आता है कि बंगाल, अवध एंड हैदराबाद को सक्सेसर स्टेट क्यों कहा गया मुगल एम्पायर का? तो बंगाल, अवध एंड हैदराबाद को सक्सेसर स्टेट इसलिए कहा गया मुगल एम्पायर का क्योंकि वहाँ के जो कंट्रोलर थे बंगाल, अवध एंड हैदराबाद का, वहाँ के जो गवर्नर थे वो अपॉइंट किए गए थे मुगल दरबार के द्वारा। यानी जो मुगल एम्पायर था वहाँ, मुगल एम्पायर में जो किंग था उसने गवर्नर्स अपॉइंट किए थे बंगाल, अवध एंड हैदराबाद में। बट वो जो गवर्नर इन जगहों पे अपॉइंट किए गए थे उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट कर लिया। तो इस वजह से बंगाल, अवध एंड हैदराबाद को सक्सेसर स्टेट कहा जाता है मुगल एम्पायर का। देन अब हम देखते हैं कि बंगाल में किस तरीके से रीजनल पावर जो है उभर के आई, कैसे कैसे वो पावर जो है मुगल एम्पायर का वो ख़त्म होता गया बंगाल के अंदर। तो जो प्रोविंस था बंगाल का वो ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट बना, मुगल एम्पायर के कंट्रोल से वो चला गया और वो इंडिपेंडेंट बना आफ्टर मुर्शिद कुली खान बिकेम द गवर्नर इन 1717। 1717 में जब मुर्शिद कुली खान गवर्नर बनता है बंगाल का, उस समय से माना जाता है कि जो बंगाल जो एरिया था वो इंडिपेंडेंट होता गया एंड वहाँ से मुगल कंट्रोल जो है वो हटता गया। इनिशियली जब औरंगजेब राजगद्दी पे था तो उसने मुर्शिद कुली खान को दीवान की पदवी दी, उसने रेवेन्यू कलेक्टर बना दिया था। दीवान यानी रेवेन्यू कलेक्टर, मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब ने दीवान बना दिया यानी रेवेन्यू कलेक्टर बना दिया बंगाल का। एंड उसको काम दिया गया था कि भाई बंगाल एरिया से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा आप रेवेन्यू कलेक्ट करके दिल्ली भेजोगे, मीन्स सेंट्रल खजाने में जमा करोगे। सो मुर्शिद कुली खान जो था वो बहुत ही इफ़िशेंट बंदा था एंड उसने बहुत ही अच्छे से काम किया और उसके काम की वजह से जो मुगल एम्पायरर्स थे बहुत ही खुश थे। बाद में फारुखसियार जो है राजगद्दी पे आता है। When Farrukhsiyar became the emperor, then he appointed him as deputy governor of Bengal and governor of Orissa. जब Farrukhsiyar राजगद्दी पे बैठता है तब वो मुर्शिद कुली खान को डिप्टी गवर्नर बना देता है बंगाल का एंड गवर्नर बना देता है ओरिसा का। बाद में 1717 के अंदर क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खान को गवर्नर, गवर्नर का दूसरा नाम था नजीम, मीन्स नजीम बनाया गया बंगाल का। इसकी वजह से ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एक बंदे को ही दो पोस्ट दिया गया। इससे पहले जो है मुगल एम्पायर के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक ही बंदे को दो पावरफुल पोस्ट दिए गए। बट जब 1717 में फारुखसियार राजगद्दी पे आया तो उसने कुली खान को ही गवर्नर बनाया और साथ ही साथ वो दीवान तो था ही। तो अब एक ऐसा पोस्ट उसने होल्ड किया जो इससे पहले 1717 से पहले किसी और बंदे को नहीं दिया गया था। मीन वो नजीम भी हो गया और दीवान भी हो गया एक ही टाइम पे। तो इससे क्या हो गया कि उसकी जो पावर थी, मुर्शिद कुली खान की जो पावर थी वो बढ़ गई। दिस हेल्प्ड मुर्शिद कुली खान हु वॉज ऑलरेडी नोन फॉर हिज इफिशियंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन टू फर्दर स्ट्रेंथन हिज पोजिशन। और मुर्शिद कुली खान जो था वो बहुत ही इफ़िशियंट बंदा था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में और जब उसको नजीम और दीवान दोनों पोस्ट मिल गया तो उसको मौका मिल गया अपने पावर को और बढ़ाने का। He was not against the Mughal Empire and never disobeyed the empire, but he started enjoying autonomy and initiated almost a dynastic rule. जो मुर्शिद कुली खान था वो कभी भी मुगल एम्पायर के अगेंस्ट नहीं गया। वो जो रूल कर रहा था बंगाल के अंदर तो वो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार रूल कर रहा था जो मुगल एम्पायर ने किया था एंड वो रेवेन्यू कलेक्ट करके भी दिल्ली भेज रहा था। तो जो वहाँ पे राजगद्दी पे राजा बैठा था, मुगल एम्पायर का जो राजा था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि भाई रेवेन्यू तो मिल ही रहा है, उसको जैसे रूल करना है रूल करने दो। इस तरीके की सिचुएशन आ गई थी। तो
इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मुर्शिद कुली खान जो है कहीं ना कहीं अपने आप को एक लीडर के रूप में इस्टेब्लिश करता है, अपने आप को मीन्स वो इन्जॉय करने लगता है ऑटोनॉमी, एंड उसने एक डायनेस्टिक रूल जो है वो इनिशिएट कर दिया था। ही वॉज इंडीड द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर, एंड इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मुर्शिद कुली खान जो था वो लास्ट गवर्नर था जो मुगल एम्पायर के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि मुर्शिद कुली खान के बाद ये एक डायनेस्टी के रूप में चली जाती है, मीन्स वंश के हिसाब से फिर गवर्नर जो हैं वहाँ पर बनते जाते हैं। मुर्शिद कुली खान नेम्ड हिज डॉटर्स सन्स सरफराज खान एज द न्यू सक्सेसर, एंड मुर्शिद कुली खान जो है वो अपनी बेटी के बेटे जो सरफराज खान होता है उसको अपना सक्सेसर जो है अपॉइंट करते हैं। बट सरफराज खान के जो फादर होते हैं सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, उन्होंने बोला बेटा तुम साइड हो जाओ, तुम्हारी अभी इतनी उम्र नहीं है, लेट मी टेक द कंट्रोल ऑफ बंगाल एंड ओरिसा, एंड इस तरीके से सरफराज खान के जो फादर हैं सुजाउद्दीन मोहम्मद खान उन्होंने कंट्रोल लिया बंगाल एंड ओरिसा का, एंड हिज पोजिशन वॉज कन्फर्म्ड बाय द देन एम्पायर मोहम्मद शाह, और दिल्ली में उस समय एम्पायर जो थे वो मोहम्मद शाह थे, तो उस समय तक जो कन्फर्मेशन थी वो ले ली गई एम्पायर से, मोहम्मद शाह ने कन्फर्म किया कि हाँ भाई सुजाउद्दीन मोहम्मद खान जो है मोहम्मद खान वही अब गवर्नर है बंगाल एंड ओडिशा का और उसके हाथ में कंट्रोल रहेगा। ऑन द अदर साइड द पावर ऑफ द मर्चेंट्स बैंकर्स एंड जमींदार्स वेयर इंक्रीजिंग, और दूसरे साइड में क्या हो रहा था कि जो मर्चेंट्स थे जो बैंकर्स थे जो जमींदार थे उनका जो पावर था वो बढ़ता जा रहा था। जब तक सरफराज खान जो है राजगद्दी पे बैठता है वो नजीम बनता है बंगाल एंड ओरिसा का, तब तक बहुत जो पावर्स हैं वो चले जाते हैं मर्चेंट्स बैंकर्स एंड जमींदार्स के हाथ में, और उस समय एक कमांडर होता है आर्मी का, सरफराज खान की आर्मी का जो कमांडर होता है वो होता है अलवर्दी खान, और अलवर्दी खान के बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते हैं मर्चेंट्स के साथ बैंकर्स के साथ और जमींदार्स के साथ। सो ये लोग तो पावरफुल थे, तो इनकी हेल्प लेके अलवर्दी खान जो है ये हटा देता है सरफराज खान को, उसके बाद फिर खुद वो राजगद्दी पे बैठ जाता है। नाउ अलवर्दी खान वाज द नजीम ऑफ बंगाल एंड ओरिसा, और इस तरीके से अब अलवर्दी खान जो है वो बंगाल और ओरिसा का बन जाता है नजीम, यानी कि गवर्नर बन जाता है। इट वाज अलवर्दीज रूलिंग टाइम विच मार्क्ड ए वर्चुअल ब्रेक विद द मुगल्स, और अलवर्दी खान की रूलिंग के टाइम ही ऐसा हुआ कि जो मुगल एम्पायर और जो वेस्ट बंगाल में नजीम बैठा था उसके बीच का जो थ्रेड था वो टूट गया। इससे पहले तक अलवर्दी खान से पहले तक सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही स्मूथली चल रही थी, मीन जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था वो दिल्ली पहुँचा दिया जाता था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर पास होते थे, अगर जो किंग है मुगल एम्पायर है उसको लगता है कि नहीं ये रूल फॉलो होना ही चाहिए, तो वैसे स्ट्रिक्टली जो रूल्स फॉलो करवाने थे वो फॉलो होते थे। बट अलवर्दी खान जैसे ही राजगद्दी पे बैठता है तो वो जो धागा होता है मुगल एम्पायर का एंड ओरिसा वेस्ट बंगाल के बीच का जो लिंक होता है वो टूट जाता है। ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट्स वेयर मेड विदाउट एनी रेफरेंस टू द एम्पायर, एंड फाइनली द रेगुलर फ्लो ऑफ द रेवेन्यू टू दिल्ली वॉज स्टॉप। पहले क्या हो रहा था कि जो भी अपॉइंटमेंट्स थे उसके लिए परमिशन ली जाती थी जो मुगल एम्पायर है उससे, बट अब उसके कंसर्न के बिना ही ये सारी चीज़ें हो रही थी। जो भी अपॉइंटमेंट था वो अलवर्दी खान अब खुद कर रहा था, और जो रेगुलर फ्लो था रेवेन्यू का, मीन्स रेवेन्यू कलेक्ट करके जब भेजा जाता था पहले वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा बिहार से, वो जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो सिर्फ अब ये अपने पास ही रख रहा था, दिल्ली वो नहीं भेजा जा रहा था। एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, बट दिल्ली के जो राजा थे उनको भी ज़्यादा अब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो भी हैबिटेटेड हो गए थे इन चीज़ों की वजह से, एंड एवरीथिंग वाज फाइन। बट द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय अलवर्दी खान वाज अटैक ऑफ मराठाज एंड अफगान। सब चीज़ ठीक चल रहा था, बट दूसरे साइड से मराठाज एंड अफगान जो हैं वो अटैक करना शुरू कर देते हैं इन टेरिटरी पे, क्योंकि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मीन्स बंगाल ओरिसा एंड बिहार, इन तीनों को मिला के जो टेरिटरी बन रहा था वहीं से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है कलेक्शन होता था। और जब हम ये 1700 की बात कर रहे हैं उस समय ऑल ओवर इंडिया से रेवेन्यू कलेक्शन डिक्रीज हो चुका था मुगल एम्पायर का, फिर भी इस एरिया से मीन्स बंगाल प्रेसिडेंसी से सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू कलेक्ट होके पहुंचता था
मुगल एम्पायर के पास। तो रेवेन्यू कलेक्शन जो था सबसे ज़्यादा हो रहा था इस एरिया में, इसकी वजह से मराठाज एंड अफगान जो हैं वो अटैक कर देते हैं इस एरिया पे, और एक ही बार नहीं बहुत बार अटैक होता है। और बाद में अल्टीमेटली इन 1751 अलवर्दी खान जो होता है वो एक एग्रीमेंट कर लेता है मराठाज के साथ। और वो एग्रीमेंट क्या होता है, तो वो बोल देता है ठीक है भाई हम चौथ तुम्हें पे करेंगे। तो चौथ क्या था, इट वाज 1/4 ऑफ द रेवेन्यू, मींस बंगाल प्रेसिडेंसी जो है, बंगाल एरिया जो है, बंगाल प्रेसिडेंसी नहीं बोलूंगा अभी के टाइम पे, बंगाल एरिया जो है वहां से जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उसका 1/4 जो पार्ट है वो अब रेडी हो गया अलवर्दी खान कि हम मराठास को देंगे। मींस जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसका 1/4 जो पार्ट होगा वो अब पे किया जा रहा था मराठास को। एंड अफगान्स के साथ जो लड़ाई हो रही थी, बाद में अलवर्दी खान एंड उनकी जो सेना है वो अफगान्स को सप्रेस कर पाने में सफल होती है। अलवर्दी खान डाइड इन 1756। अलवर्दी खान जो है 1756 में मर जाता है, बट मरने से पहले वो अपने ग्रैंड सन सिराजुद्दौला को सक्सेसर नियुक्त करता है। बोलता है कि मेरे मरने के बाद सिराजुद्दौला जो है राजगद्दी पर बैठेगा। बट सिराजुद्दौला अकेला नहीं था कंटेंडर इस पोस्ट का, दो लोग और थे, एक था शौकतगंज जो फौजदार था पूर्णिया का, और एक थी घसीटी बेगम। घसीटी बेगम जो थी वो बेटी थी अलवर्दी खान की। तो शौकतगंज और घसीटी बेगम जो हैं वो भी सिराजुद्दौला के पोस्ट को लेना चाहते थे। तो इस तरीके से क्या होता है, साजिशें चालू हो जाती है शौकतगंज एंड घसीटी बेगम की तरफ से। तो जब ये साजिशें चालू हो जाती हैं, इसकी वजह से कोर्ट के अंदर जो है हलचल मच जाती है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और जो जमींदार थे, कमर्शियल पीपल जो बहुत पैसे वाले थे, उन लोगों को भी डर लगता है, क्योंकि सिराजुद्दौला जो था बहुत ही इफ़िशेंट राजा था एंड वो रास्ते को फॉलो करके वो आगे बढ़ना चाहता था। प्लस वो बहुत ही एम्बिशियस था, तो वो हमेशा कंट्रोल जो है अपने पास रखना चाहता था, जिसकी वजह से जो अमीर लोग थे, जो जमींदार थे बड़े बड़े, जो पैसे वाले जो लोग थे, जो करप्शन ये सब कर रहे थे एंड अपने काम को निकलवा रहे थे, उन सबको भी जो है डर हो गया सिराजुद्दौला का। तो इसलिए जो बड़े बड़े जमींदार थे, कमर्शियल पीपल थे, उन लोगों ने भी शौकतगंज, घसीटी बेगम प्लस ब्रिटिशर्स का भी यहाँ पे रोल आ जाता है, ब्रिटिशर्स के साथ मिलके वो लोग साजिश करना शुरू कर देते हैं सिराजुद्दौला को उस राजगद्दी से हटाने के लिए। दिस डीस्टेबलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, एंड इसकी वजह से जब साजिशें चालू हो गई तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है बंगाल का वो पूरी तरीके से डीस्टेबलाइज हो गया। मीन्स स्टेबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बंगाल में वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, वो अनस्टेबल होने लगा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। और इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो उठाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। सो ब्रिटिशर्स का जो रोल है यहाँ से हम बहुत अच्छे से देखना स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से उन्होंने किसकी किसकी हेल्प की और सिराजुद्दौला को पोस्ट से हटाने की कोशिश की थी। उसके बाद फिर बंगाल का जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से हिल गया, एंड बंगाल की पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए यानी सिराजुद्दौला को उनके गद्दी से हटाने के लिए प्लासी कॉन्स्पिरेंसी होती है, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, जिसके बाद सिराजुद्दौला का जो रूल है वो ख़त्म करवा दिया जाता है। एंड ये रूल ख़त्म करवाने के पीछे जो है ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा पॉलिटिकल गोल होता है, पॉलिटिकल थियोरी वो लगाते हैं, एंड उस पॉलिटिक्स को यूज़ करके सिराजुद्दौला को राजगद्दी से हटा दिया जाता है। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर कुछ कमी है अभी भी कंटेंट में तो बता दें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में विद प्लासी का युद्ध। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।